नमस्कार, जिला निर्वाचन अधिकारी चूरू और प्रशिक्षण प्रकोष्ठ चूरू की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मैं डॉक्टर जेबी खान, राज्य स्तरीय मास्टर ट्रेनर। आज हम जिला परिषद और पंचायत समिति चुनाव से संबंधित जो नाम निर्देशन किस प्रकार से एक प्रत्याशी अभ्यर्थी के द्वारा भरा जाएगा, इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो ये वीडियो रिटर्निंग अधिकारी साहिबान, उनके मातहत जो कर्मचारी लगेंगे और जो अभ्यर्थी और प्रत्याशी चुनाव लड़ने जा रहे हैं, उनके लिए ये बहुत ही उपयोगी साबित होगा। इसलिए आप हमारे इस पूरे वीडियो को देखिए। इस वीडियो को बनाने में हमारे जिला स्तरीय मास्टर ट्रेनर डॉक्टर मूलचंद, डॉक्टर बीएल मेहरा, सोमेश शर्मा और मोहम्मद जावेद खान, इन्होंने तकनीकी सहयोग दिया है और मैं डॉक्टर जेबी खान आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। तो आगामी जो पंचायत समिति के चुनाव और जिला परिषद के चुनाव संपन्न होने जा रहे हैं और 4 तारीख से लेकर 9 तारीख तक नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत कर किए जाएंगे अभ्यर्थियों के द्वारा, तो रिटर्निंग अधिकारी साहिबान और उनके जो मातहत कर्मचारी है वो किस प्रकार कार्रवाई को अमल में लाएंगे इस फॉर्म को चेक करने में और अभ्यर्थी प्रत्याशी फॉर्म को भरने में, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा नाम निर्देशन पत्र है वो किस प्रकार से आपको दिया जाना है और किस प्रकार से प्रत्याशी को भरा जाना है। तो जो राजस्थान पंचायती राज अधिनियम का नियम 58 है उसके अंदर नाम निर्देशन पत्र के बारे में हवाला दिया गया है और नाम निर्देशन पत्र जो है वह प्रारूप 4 क है, उसके अंदर नाम निर्देशन पत्र भरा जाएगा। इस नाम निर्देशन पत्र का जो भी कागज आप प्राप्त कर रहे हैं रिटर्निंग अधिकारी साहिबान और प्रत्याशी जो भर के दे रहे हैं, ध्यान रखेंगे कोई भी प्रविष्टि खाली न हो और सारे के सारे कॉलम उसमें भरे हो अथवा उसको काटा जाए अथवा लागू नहीं हो ये लिखा जाए। ये आवश्यक रूप से इसमें ध्यान रखने योग्य बातें हैं। तो ये जो प्रारूप क है जो सबसे पहले नाम निर्देशन पत्र के रूप में भरा जाना है, उसमें 6 भाग इसमें बनाए गए हैं। भाग फर्स्ट जो है, अगर कोई प्रत्याशी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल से चुनाव लड़ता है, उसकी टिकट पे चुनाव लड़ता है, तो उसके द्वारा, उसके प्रस्तावक के द्वारा यह भाग भरा जाएगा। और यदि वह किसी राजनीतिक दल से चुनाव नहीं लड़ता है, स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ता है या गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल से चुनाव लड़ता है, तो उसके द्वारा भाग 2 भरा जाएगा और उसमें उसके प्रस्तावक भरेंगे और प्रस्तावकों की संख्या 5 होगी। वो उसी वार्ड से होने आवश्यक है और उनके पास समस्त प्रकार की नाम निर्देशन से संबंधित जो प्रक्रिया है, वोटर आईडी कार्ड, उसका वोटर कार्ड में लिस्ट में नाम होना चाहिए, ये सारी चीजें उसके पास होनी चाहिए। तो 5 प्रस्तावकों की आवश्यकता पड़ेगी। अब अगर भाग 1 यानी आप राजनीतिक दल से फॉर्म भर रहे हैं तो आपको भाग 2 काटना होगा, और यदि आप स्वतंत्र अभ्यर्थी के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं तो आप भाग 1 आपको काटना होगा, वह खाली नहीं छोड़ना है। जैसा कि मैंने पहले बताया, कोई भी कॉलम खाली नहीं होना चाहिए, या तो काटा जाए या लागू नहीं, अथवा उसमें कुछ न कुछ भरा हुआ होना चाहिए। भाग 3 जो इसका होगा, उसमें अभ्यर्थी के बारे में घोषणा के रूप में आपको जानकारी देनी होगी और ये अभ्यर्थी किस राजनीतिक दल से संबंधित रखता है, उसके आयु क्या है, ये आदि आदि उसकी घोषणा उसमें भाग 3 में की जाती है। भाग 4 और भाग 5 वह रिटर्निंग अधिकारी के द्वारा भरा जाता है और भाग 6 जो है वो पावती के रूप में, यानी जब कोई भी प्रत्याशी और अभ्यर्थी फॉर्म जमा करवाने आता है तो उसके फॉर्म जमा की पावती या रिसिप्ट के रूप में उसको दिया जाएगा। तो ये प्रारूप 4 कह के जो कौन कौन से भाग है, ये भाग 1 अगर आप राजनीतिक दल से चुनाव लड़ रहे हैं तो आप भाग 1 से को भरेंगे और इसमें स्पष्ट लिखा है कि 1 और 2 में जो लागू न है उसे काट दीजिए। यानी अगर आप राजनीतिक दल से चुनाव लड़ रहे हैं तो आपको भाग 2 काटना पड़ेगा और अगर आप स्वतंत्र अभ्यर्थी के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं तो भाग 1 काटना पड़ेगा जो आपके ऊपर लागू नहीं होता है। तो ये भाग 2 है अगर आप मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल से अभ्यर्थी के रूप में चुनाव नहीं लड़ रहे हैं तो भाग 2 भरना पड़ेगा। भाग 3 की जो बात करी है उसमें आपकी समस्त जानकारी आएगी। आप अगर राजनीतिक दल से हैं तो उसका नाम भरेंगे और अगर आप स्वतंत्र अभ्यर्थी के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं, निर्दलीय अभ्यर्थी के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं, तो आपको 3 प्रतीक चिन्ह जो कि
निर्वाचन विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त प्रतीक चिन्ह है, उनमें से कोई 3 प्रतीक चिन्ह चुनकर इसमें लिखने होंगे और इसमें अपनी जाति आयु की घोषणा इसमें करनी होगी। भाग 4 और भाग 5 जैसा कि मैंने बताया रिटर्निंग अधिकारी साहिबान के लिए ये काम का होता है। इसमें ये है कि मैंने प्राप्त कर लिया है और अगर वह फॉर्म स्वीकार करने योग्य है अथवा नहीं है उसके बारे में यहां पे टिप्पणी करते हुए रिटर्निंग अधिकारी को लिखना होगा। भाग 6 रिसिप्ट के रूप में या पावती के रूप में है और प्रत्येक चुनाव लड़ने वाले फॉर्म भरने वाले प्रत्याशी को रिटर्निंग अधिकारी के द्वारा इसे वापस भरकर लौटाना है कि इसने इतने बजे इतनी तारीख को फॉर्म जमा करवाया। तो ये प्ररूप 4 के जो नाम निर्देशन पत्र के रूप में प्रत्येक अभ्यर्थी को आवश्यक रूप से भरना होगा। उसके बाद जो और चीजें उसको साथ में देनी है एक स्व घोषणा पत्र है प्ररूप 4 घ, ये भी प्रत्येक प्रत्याशी द्वारा भरकर जमा करवाया जाएगा। ये कुल 4 पेज का है। इसमें क्या क्या सूचनाएं आती है कि किसी भी प्रत्याशी है वो स्वयं घोषणा करेगा कि उसके विरुद्ध न्यायालय में कोई जांच लंबित नहीं है, उसे दोष सिद्ध घोषित नहीं किया गया है, 5 से अधिक वर्ष कारावास से संबंधित कोई दोष सिद्धि उसके विरुद्ध नहीं हुई है आदि जानकारी उसको देनी होगी। इसके अंदर उसके संतान से संबंधित जो भी जानकारी वांछित जानकारी है वो उसको देनी होगी और संपत्ति चल और अचल संपत्ति की सूचना वह इस 4 घ प्ररूप में स्व घोषणा के रूप में उसमें जमा करवाएगा। इन सभी की एक ही प्रति में प्रत्याशी द्वारा जमा करवाई जाएगी। सबकी जितने भी प्रपत्र प्ररूप है वो एक एक प्रति में ही जमा करवाए जाएंगे। ये जो 4 घ है उसका एक नमूना पत्र है कि किस प्रकार से वो इसमें सारी जानकारी देगा। ये पूरा 4 पेज का लंबा चौड़ा प्ररूप है जिसमें न्यायालय से संबंधित मामले संपत्ति और संतान इनकी जानकारी उसमें दी जाएगी। इसके साथ ही प्रत्येक प्रत्याशी को कार्यशील स्वच्छ शौचालय का घोषणा पत्र भी जमा करवाना होगा। ये एक अंडरटेकिंग है जो नाम निर्देशन पत्र के साथ दी जाती है और उसे आवश्यक रूप से ये भर के देनी है और उसमें वह यह घोषणा करेगा कि मेरे घर में कार्यशील स्वच्छ शौचालय है और मैं या मेरा परिवार का कोई सदस्य खुले में शौच नहीं जाता है नहीं करता है। यह घोषणा पत्र साक्षी द्वारा भी प्रमाणित करवाया जाएगा, एक साक्षी के भी हस्ताक्षर इसमें करवाए जाएंगे। ये उसका एक नमूना है कि किस प्रकार से वो इसमें घोषणा करेगा और उसके बारे में बताएगा। उसके बाद उपबंध 1A ये शपथ पत्र है जो कि 50 रुपए के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पर आवश्यक रूप से उसको देना होगा। इसमें भी कुल 4 पेज है और नॉन जुडिशियल स्टाम्प जो है वो ऑनलाइन जारी किया हुआ भी हो सकता है, प्रिंट निकाले जाएगा उसका और जो भी उसकी राशि है वो भुगतान की जाएगी और तो ये ऑनलाइन जारी भी हो सकता है और इसमें आवश्यक रूप से सभी रिटर्निंग अधिकारी साहिबान और सभी प्रत्याशी ये ध्यान रखे कि इसमें आवश्यक रूप से प्रत्येक कॉलम भरा हुआ होना चाहिए। अगर आपके ऊपर वह लागू नहीं है प्रत्याशी के ऊपर उसे काट दे अथवा स्पष्ट लिखे लागू नहीं संबंधित नहीं, स्पष्ट लिखना होगा। प्रत्येक पेज पे प्रत्याशी के हस्ताक्षर होंगे और प्रत्येक पेज नोटरी के द्वारा प्रमाणित भी किया जाना आवश्यक है। तो ये बातें इसमें विशेष ध्यान रखने योग्य है। यह भी एक प्रति में ही लिया जाएगा प्राप्त किया जाएगा। इसमें क्या क्या जानकारी देगा प्रत्याशी, उस शपथ पत्र में प्रत्याशी अपने बारे में पूरी जानकारी इस शपथ पत्र में वो देगा जिसमें आय से संबंधित खुद की परिवार की पत्नी की अगर कोई इनके ऊपर आश्रित है तो उनकी ये सारी की सारी घोषणाएं इसके अंदर वो करेगा। उसके ऊपर कोई आपराधिक मामले न्यायालय में विचाराधीन अथवा वह दोष सिद्धि न्यायालय के द्वारा उसके ऊपर हो चुकी है वह भी उसमें जिक्र करेगा। उसके अलावा उसकी जो संपत्ति है उसके पास कितनी नकदी है आभूषण है कितने वाहन है उन सब के बारे में इस शपथ पत्र में सूचना दी जाएगी और उसके लिए कोई ऋण या देनदारी भी उसके विरुद्ध नहीं है उसकी का जिक्र भी इसके अंदर किया जाएगा। मैं पुनः दोहरा देता हूं इसका कोई भी कॉलम खाली नहीं होना चाहिए, या तो भरा हुआ होना चाहिए अथवा काट दिया जाए अथवा लागू नहीं या संबंधित नहीं लिखा हुआ उसमें होना चाहिए। ये ध्यान रखेंगे सभी रिटर्निंग अधिकारी और प्रत्येक पेज पर हस्ताक्षर होंगे अभ्यर्थी के
और नोटरी के द्वारा वह प्रमाणित आवश्यक रूप से किया जाएगा। ये इसका एक नमूना पत्र है जो शपथ पत्र है, उपबंध फर्स्ट ए, ₹50 के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पर इसको दिया जाएगा। यहां एक ध्यान और रखा जाना है कि अगर कोई प्रत्याशी एक से अधिक फॉर्म भरता है, ध्यान दीजिएगा इस पे, अगर कोई प्रत्याशी एक से अधिक फॉर्म भरता है तब भी यह शपथ पत्र तो केवल एक ही हो, माना उसने चार फॉर्म भरे तो शपथ पत्र उसे एक ही बार जमा करवाना है। चारों के साथ चार अलग अलग शपथ पत्र नहीं होंगे, एक ही शपथ पत्र चारों फॉर्म के लिए काम आ जाएगा। तो यह ध्यान रखने की बात है, इसमें समस्त जानकारी आपको यानी प्रत्याशी को अभ्यर्थी को देनी होती है। एक उसको सांख्यिकी सूचना का फॉर्म भरना होता है जो नाम निर्देशन पत्र के साथ अटैच होता है, इसे भी लिया जाना आवश्यक है। और इसके अंदर नाम, आयु, जाति, शैक्षणिक योग्यता, संबंधित राजनीतिक दल आदि की जानकारी अभ्यर्थी इसमें प्रस्तुत करता है। तो यह सांख्यिकी सूचना का फॉर्म भी लिया जाना आवश्यक है। यह इसका नमूना पत्र है कि जो सांख्यिकी सूचना फॉर्म है वो इस प्रकार से, और इस पे फोटो लगेगी, ध्यान रखिएगा इसमें आवश्यक रूप से एक फोटो चस्पा करनी है, चिपकानी है, पासपोर्ट साइज फोटो लगाई जाएगी। अमानत राशि जो है वह सीधा सा फंडा है, सामान्य पुरुष के लिए ₹500, अन्य सभी के लिए ₹250, ₹250। तो यानी सामान्य पुरुष के लिए अमानत राशि ₹500 होगी और अन्य सभी के लिए 250, चाहे एससी का कैंडिडेट हो, एसटी का कैंडिडेट हो, ओबीसी का कैंडिडेट हो और कोई भी महिला हो, चाहे वो सामान्य ही क्यों हो, यानी सामान्य पुरुष के लिए 500, अन्य सभी के लिए 250, ₹250 की अमानत राशि जमा करवानी होगी। जाति प्रमाण पत्र, यदि कोई प्रत्याशी आरक्षित वार्ड से, ब्लॉक से चुनाव लड़ता है तो उसे जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। और जाति प्रमाण पत्र के लिए स्पष्ट निर्देश है कि जाति प्रमाण पत्र राजस्थान राज्य के सक्षम अधिकारी से जारी किया हुआ होना चाहिए, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। कई बार प्रश्न आते हैं कि वह हरियाणा, उत्तर प्रदेश में फला जाति में है, फला जाति में कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर राजस्थान राज्य के सक्षम अधिकारी ने जाति प्रमाण पत्र जारी किया है तो ही वह मान्य होगा। आयु 21 वर्ष आवश्यक है, समीक्षा तिथि तक वह यानी प्रत्याशी 21 वर्ष का होना आवश्यक होता है। इसके अलावा अगर उसे पंचायत समिति अथवा जिला परिषद की कोई राशि उसके खिलाफ है और उसके विरुद्ध कार्रवाई आरंभ कर दी गई है तो राजस्थान पंचायती राज अधिनियम के अनुसार उसे नो ड्यूज प्रमाण पत्र भी आवश्यक रूप से जमा करवाना होगा। कार्रवाई अमल में यानी उगाही की कार्रवाई शुरू कर दी गई है तो वह लिस्ट पहले से प्रिपेयर होगी कि इनके खिलाफ नो ड्यूज लेना आवश्यक है, अन्य को नो ड्यूज देना आवश्यक नहीं है। जो सीधे पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं या उनके खिलाफ कोई देनदारी नहीं है जिला परिषद पंचायत समिति की तो उसे नो ड्यूज देने की आवश्यकता नहीं है, केवल उन्हीं के है जिनके विरुद्ध वसूली की कार्रवाई आरंभ कर दी गई है। अगर कोई प्रत्याशी अभ्यर्थी नाम वापसी लेना चाहता है तो ये दो प्रतिमें उसको स्वयं प्रस्तुत करना होगा, दो प्रतिमें स्वयं प्रस्तुत करना होगा और उसकी एक प्रति चस्पा की जाएगी और उसके बाद वह स्वयं उपस्थित होकर ही नाम वापसी की सूचना देगा। अब जब सारे प्रत्याशी उन्होंने फॉर्म भर दिया है, अंतिम समय 3 बजे सारे प्रत्याशी आ गए तो उसकी जो लिस्ट नियम 59, 61, 62 में इस प्ररूप 4 गए में बनाई जाएगी, सारी की सारी इसमें अभ्यर्थियों की सूची इसमें बनाई जाएगी। और जब नाम निर्देशन वापस लेने का समय चला जाएगा और नाम निर्देशन लेने के समय के बाद जो प्ररूप 5 तैयार करना होगा इसमें विधिवत नाम निर्दिष्ट अभ्यर्थियों की सूची होंगी जिसमें नाम निर्देशन मंजूर किए गए और वापस लेने के पश्चात ये प्ररूप 5 इसमें किस क्षेत्र का से वो चुनाव लड़ना चाहता है उसका क्रमांक और नाम, पते सहित अभ्यर्थी की क्रम संख्या और नाम, और उसके बाद अगर वह मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल से है तो उस सुभिन्न चिन्ह जो है वह उसमें प्रतीक लिखा जाएगा, और अब निर्दलीय है तो उसको कौन सा जो 3 उसने मांगे थे उसमें से कौन सा उसको अलॉट किया गया है वह यहां लिख के प्ररूप 5 जो है अंतिम विधि मान्य प्रत्याशियों की सूची होती है।
एक महत्वपूर्ण है यहां पे, यदि कोई प्रत्याशी नाम निर्देशन प्रस्तुत करता है उसकी उसी समय सरसरी तौर पे समीक्षा की जाएगी और कोई कमी पूर्ति है तो उसे रिटर्निंग अधिकारी के द्वारा मेमो दिया जाएगा कि आपके फॉर्म में फला कमी है, आप इसको समय रहते पूर्ण कर ले, अन्यथा आपका फॉर्म निरस्त कर दिया जाएगा। एक तरफा कार्रवाई निरस्त की नहीं करनी है। सभी रिटर्निंग अधिकारी इस चीज को ध्यान रखें कि उन्हें एक तरफा निरस्त की कार्रवाई नहीं करनी है। पहले संबंधित अभ्यर्थी को, प्रत्याशी को मेमो जारी किया जाए कि आपके फॉर्म में फला कमी है, आप आके उसको पूरा कर दे। इसमें से जो शपथ पत्र में प्रस्तुत करता है उसकी फोटोकॉपी करवा के बाहर रिटर्निंग अधिकारी कार्यालय के बाहर चस्पा की जाएगी और उसके बाद विधि मान्य जो है वो प्रत्याशियों की संख्या भी प्ररूप 5 भी चस्पा किया जाएगा। तो ये नाम निर्देशन पत्र किस प्रकार से प्रस्तुत करना है इसके बारे में संपूर्ण जानकारी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हार्दिक अभिनंदन। आप हमारे वीडियो में ऐसे ही बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।